हेलो फ्रेंड, लेट अस करंट अफेयर दिसंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फ्रांस एक कानून के विरोध में चर्चा में है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी जी एन कास्टेक्स वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑन 3 जुलाई 2020, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। और यदि फ्रांस के बारे में यदि मैप पे देखें तो फ्रांस यूरोप का एक कंट्री है। ये फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, और इसे बाउंड्री करते हैं जर्मनी, इधर इटली और इधर स्पेन। इटली जिसकी राजधानी रोम, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशियन को मिलता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू। यदि और ऊपर कंट्रीज की बात करें, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, यहीं शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार यहीं से दिया जाता है, और बाकी के शांति पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं, और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीनी कंपनी किस नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना बना रही है? ये बना रही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो जाना के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। चाइना विल इंप्लीमेंट हाइड्रो पावर एक्सप्लोइटेशन इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ यारलुंग जांगबो रिवर, जो तिब्बत में नाम है इसका ब्रह्मपुत्र का, एंड द प्रोजेक्ट टू सर्व मेंटेन वाटर रिसोर्सेज एंड डोमेस्टिक सिक्योरिटी। तो ये डाउन स्ट्रीम पर बनेगा। अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है जब पहाड़ों पर रहती है, और जब नीचे मैदानी भागों में जाती है उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। जब तिब्बत में फ्लो होती है तो इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, और नामचा बरवा से ये यू टर्न लेती है और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ही इसमें देहांग और देवांग ये मिलती हैं, देहांग और लोहित नदी आके मिलती हैं। फिर ये सदिया टाउन से आसाम में प्रवेश करती है। आसाम में प्रवेश करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर इसमें नॉर्थ साइड से सुबनसिरी, मानस और संकोच नदी आके मिलती हैं। फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है। जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो एक सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली तीस्ता नदी आकर मिलती है, और तीस्ता की भी ट्रिब्यूटरी रंगीत रिवर। जब यह बांग्लादेश में फ्लो होती है तो इसका नाम जमुना नाम रहता है। इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगा रिवर आ रही होती है, जो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है देवप्रयाग में। गंगा नदी आके बांग्लादेश में इसमें जमुना में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में। तो गंगा नदी का नाम पद्मा रहता है बांग्लादेश में। फिर उसके बाद एक रिवर बराक आ रही होती है, बराक आगे मिलती है। जब बराक इसमें यमुना और पद्मा की संयुक्त धारा में मिलती है तो तब इसका नाम मेघना हो जाता है, और लास्ट में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से हुगली नदी रहती है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में दाहिने तट में सुबनसिरी, मानस, संकोच, कामे, और बाएं तट से रेहांग, देहांग, लोहित, धनसिरी, बराक और कापिली। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में माउंट इली लेवोलोटोक ज्वालामुखी चर्चा में थी, कहाँ स्थित है? ये अभी लेवोलोटोक ज्वालामुखी फटा था जिसमें 4000 मीटर ऊंचाई तक राख और लावा फैल गया था। ये इंडोनेशिया में स्थित है, और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। माउंट इली लेवेतेलो के फटने से हाल ही के महीनों में, इससे पहले जो इसी में ये द्वीप हैं इनके, एक जावा द्वीप में है इनका मेरापी ज्वालामुखी, और सुमात्रा द्वीप पर है सीनाबंग ज्वालामुखी, ये भी फट चुके हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में सक्रिय है। इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का देश है, वहाँ करीब 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यह प्रशांत में रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो भौगोलिक अस्थिरता वाला बड़ा इलाका है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से नियमित भूकंप होते रहते हैं और ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। ज्वालामुखी जब फटते हैं तो नीचे जो धरती, पृथ्वी के नीचे जो रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं। जब वो एक बार बाहर आ जाता है पिघला हुआ पदार्थ, उसको लावा बोलते हैं। देखो ये कहाँ है,
ये जो पोर्शन है येलो, ये तो है मलेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया ये, और ये हाँ फिलीपींस, वियतनाम, और ये साउथ चाइना सी। अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखो ज्वालामुखी के टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी। एक तो होते हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब एक बार उद्गारित हुए और उसके बाद कभी नहीं फटे। डोरमेंट होते हैं जो बहुत ही कभी रेयर 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 मतलब उनमें उद्गार आता है, उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। एक्टिव होते हैं जो जल्दी जल्दी जिनमें उद्गार होता रहता है, लावा बाहर आता रहता है, उन्हें एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं। 1883 में बड़ा ज्वालामुखी फटा था और आसमान में इतना कचरा फैल गया था कि सूर्य की रोशनी भी जमीन पर नहीं आ रही थी, जिससे जमीन पर ठंडक पड़ गई थी और जिसे ग्लोबल कूलिंग कहा गया था। इन ज्वालामुखियों से कुछ झीलों का निर्माण भी होता है। ज्वालामुखी झीलें जब बड़ा रूप धारण कर लेती हैं तो इन्हें क्रेटर झील कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो एक क्रेटर झील का ही उदाहरण है। ये ऐसे ज्वालामुखी फटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया था। ये शब्द है क्वारंटाइन, QURANTINE, क्वारंटाइन, जिसको हिंदी में संगरोध बोलते हैं, जो आजकल बहुत न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया। तो भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को 104वां स्थान दिया गया है। फीफा है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसमें जो पहली रैंक आई थी वो बेल्जियम का, दूसरे रैंक पर फ्रांस, तीसरे पर ब्राज़ील और चौथे पर इंग्लैंड। अब खेल्स में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं वो सब चीज़ें अगर देखें तो देखो बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल 6, टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 2, बास्केटबॉल 5, जिमनास्टिक 8, बॉक्सिंग 1, ताश के खेल में 2 या 4, 3 भी हो सकते हैं, लॉन टेनिस 1 या 2, चेस में 2 और स्नूकर में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 8वीं से 12वीं पास के बच्चों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना की घोषणा की। ये कि हरियाणा ने, और 12वीं पास के बाद ये टैबलेट वापस ले लिए जाएंगे। हरियाणा आपका यहाँ लाई करता है जो पंजाब से बॉर्डर करता है, पंजाब और उधर दिल्ली। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य, राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और इसमें नेशनल पार्क में कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और हरियाणा के ही गुड़ग्राम में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में इंडिया टुडे पत्रिका ने कृषि के क्षेत्र में किस राज्य को मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड प्रदान किया गया। तो मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का ये अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश की यदि बात करें, मेरी राजधानी भोपाल है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इससे पहले लाल सिंह टंडन थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, दिनसौर, चीवास और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांधों में गांधी सागर बांध है जो चंबल नदी पर बना है, चंबल यमुना सहायक नदी है, और नर्मदा नदी पर दो बांध बने हैं, बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध। नर्मदा नदी अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में फ्लो करती है। मध्य प्रदेश में और करंट में इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना चलाई गई थी, जीवन शक्ति योजना चलाई गई, संकल्प योजना चलाई गई बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। मध्य प्रदेश की सबसे ख़राब से सूरत उधर है, रेडियो स्कूल योजना चलाई गई, झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई, पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार शुरू हुआ, भारत का पहला राज्य जहाँ कोरोना के बाद मिड डे मील स्टार्ट हुई, चरण पादुका अभियान चला और ये सब रोको टोको अभियान एक चला। अगर यहाँ देखें तो विंध्याचल और सतपुड़ा इन दोनों के बीच में फ्लो करती है नर्मदा नदी, और फिर सतपुड़ा के बाद फ्लो करती है ताप्ती नदी, या ऐसे बोलो नर्मदा ताप्ती के बीच में है सतपुड़ा पर्वत, और फिर इधर से महादेव, मैकाल, राजमहल, पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ थोड़ू योजना निम्न से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। जगन्नाथ थोड़ू योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है और
जगन्नाथ थोड़ योजना में क्या होगा कि इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। यदि आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ लाई करता है, जिसकी राजधानी अमरावती है, और ये जो बॉर्डर करते हैं इसको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और इधर से तमिलनाडु। अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखो आंध्र प्रदेश के बारे में और फैक्ट्स की बात करें, इसकी तीन राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल, और राज्यपाल हैं विश्व हरिचंद्र रेड्डी और मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, लोक नृत्य घंटा मरदाला, गुम्मी छड़ी और सिद्धी धुमरी। राष्ट्रीय उद्यान है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। बांध में श्रीशैलम बांध है, बसवा सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो भाषा आधार पर गठित हुआ था 1953 ईस्वी में। जगन्नाथ विद्या देवी योजना चल रही है, निगाह है कोविड फार्मा, जगन्नाथ चोड़ चेदुड़ू अस्पतालों में आरोग्य मित्र, YSR चेवता स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है। हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है ये ग्रेट हॉर्नबिल जो है स्टेट बर्ड एनिमल है, ये अरुणाचल प्रदेश का और केरला का। और जो हॉर्नबिल है एक वल्नरेबल आता है अंडर IUCN रेड लिस्ट में। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है, और ये हॉर्नबिल पक्षी के नाम के वजह से मनाया जाता है। और जो हॉर्नबिल पक्षी है वो नागाओं का बहुत ही एडमायर्ड और रिवर्ड बर्ड है, और ये पक्के टाइगर रिजर्व में मिलता है। देखो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद यहाँ लाई करता है नागालैंड। तो नागालैंड एक तरह से बॉर्डर करता है आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर को। नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं RN रवि, राजधानी कोहिमा, और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। ये प्रधानमंत्री जी भी गए थे इस मौके पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक वायरस जनित रोग है। देखो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। विश्व एड्स दिवस 2020 की थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी सेपर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है, जब इंसान की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। एड्स बीमारी HIV संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने, HIV संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने पर, उपयोग में लाई जा चुकी सुई के उपयोग से, या संक्रमित माँ के गर्भकाल, जन्म या स्तनपान से बच्चे को हो सकता है। सो दिस वॉज फॉर द डे, थैंक यू।